अच्छा, एक बहुत खूबसूरत दिन के आगाज़ के साथ, जैसा कि आप देख रहे हैं कि हर तरफ जो है ना एक सनी डे है, और मैंने फैमिली को लिया और मैंने कहा चलो आज आर्मी म्यूज़ियम हम देख के आते हैं। ये सबसे पहले एक छोटी सी लाइन होती है, वेरी इजीली आपका नंबर आ जाता है। 100 रुपीज़ की जो है ना टिकट होती है, वो आपने ले लेनी है, जैसा कि ये मैंने टिकट ले ली है। अच्छा, इसके अंदर जो है ना सिर्फ जो 18 साल से ऊपर हैं उनको लिए 100 रुपीज़ की टिकट है, बच्चे फ्री हैं। लगाने आग जो आए थे आश। ये छोटा सा चेक इन काउंटर होते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा एक चेकिंग भी की जाती है। और सेकेंडली, एक चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है कि अपने साथ कोई बैग वगैरह या खाने की चीज़ें नहीं लेके आनी। एंटर होते साथ ही आपको एक जो बहुत प्यारा व्यू नज़र आएगा, और राइट साइड पे आप देख सकते हैं कि आर्मी म्यूज़ियम है, और लेफ्ट साइड पे वो फ्री ऑफ कॉस्ट है गार्डन वगैरह। और ये जो जिस जगह पे हम खड़े हुए हैं, ये अब हम एंट्री करके अंदर दाखिल हो चुके हैं। और राइट साइड के ऊपर ये हमें म्यूज़ियम का एक एंट्रेंस भी नज़र आ रहा है, और ये जितने भी टैंक्स वगैरह जो हैं, ये सब लोग जो है ना बहुत एंजॉय कर रहे हैं इन चीज़ों को। म्यूज़ियम को 2015 में लेफ्टिनेंट जनरल ने जो है ना इसका माइलस्टोन रखा था, तो ये एक नेम प्लेट है। सबसे पहले वाइकर टैंक्स से हम स्टार्ट करते हैं, जो कि बहुत खूबसूरत है। मैंने बहुत नज़दीक से इसकी कवरेज भी ली है, और ये एक बहुत सॉलिड किस्म का टैंक है। इसकी बेल्ट्स और इसके कंप्लीट ऑल एक्सेसरीज जितनी भी हैं, बहुत सॉलिड लोहे से तैयार हुई हुई हैं, जो कि मैंने ख़ुद बाय सेल्फ जो है ना इसको हैंड से चेक करके इसकी ऑब्जर्वेशन की, और ये बहुत सॉलिड किस्म का टैंक है। शुजात पे झूमते होंगे उसके साथ ही एक खूबसूरत जो है हेलीकॉप्टर भी हमने देखा है। ये बहुत खूबसूरत हेलीकॉप्टर है। सेकेंडली, बहुत इसका साइज़ जो है ना बहुत बड़ा है। माइट भी आपको जो है ना ये इस तरह स्क्रीन के ऊपर इस तरह छोटा लग रहा होगा, बट ये रियल में इसका साइज़ काफ़ी बड़ा है। लोग इसके अंदर भी जाके सारी चीज़ें देख रहे थे, और काफ़ी जो है ना इंजॉय कर रहे थे इन सारी चीज़ों को। बाय मिस्टेकनली एक हमारा एक सोल्जर यहाँ पे खड़ा हुआ है, लेकिन मुझे नहीं पता था, मैं इस हेलीकॉप्टर के अंदर ही चला गया। तो फिर अंदर से जो है ना उन्होंने कहा नहीं नहीं आप बाहर निकलें, आपके पास टिकट नहीं है। तो दैट टाइम आई नो कि इसके अंदर जाने के लिए जो है ना तो प्रॉपर टिकट लगती है, जो कि थोड़ी सी पैसे से होती है, यानी कि 50 रुपीज़ की जस्ट टिकट थी। उसके बाद हमने ये बहुत खूबसूरत F-16 टाइप जो है ना ये हमने देखा है, जो कि बहुत प्यारा इवन के उस टाइम की आप ये देखेंगे ना चीज़ें, तो आपको ना एक एंशिएंट लुक में नज़र आएगी। आजकल के मॉडर्न एरा के मुताबिक तो नहीं, बट एक बहुत अच्छा व्यू मिलेगा। साथ ही साथ इस बच्चे को भी मैंने जूम इन करके थोड़ी सी कवरेज देख सकते हैं। मुझे तो लग रहा है कि ये टैंक जो है ना सीधा घर ले जाएगा। अच्छा, ज़रबाब इस तरह खुश हो रहा है जिस तरह पता नहीं टैंक या किसी प्लेन को ना चलाने का भी मौका मिलेगा उसको। फिर हमने 1821 का एक बहुत खूबसूरत चॉपर देखा, जो कि बहुत यूनिक था। साथ में ना मैंने जूम इन किया इसको, तो इस तरह फील आ रही थी जिस तरह कोई जनरेटर रखा हुआ हो, बट इट वॉज़ नॉट अ जनरेटर, जस्ट जॉक।
साथ में ही उसके एक बहुत खूबसूरत फाइटर हेलीकॉप्टर भी खड़ा हुआ था। आप देख सकते हैं कि इसके राइट साइड के ऊपर वो बुलेट्स के बने हुए हैं, और सेकेंडली इसका साइज वाज मैसिव, ये सबसे बड़ा जो है ना हेलीकॉप्टर टाइप था। और क्या कहते हैं, लेफ्ट राइट दोनों साइड पे आप देख सकते हैं कि आर्म्ड फोर्स के रखने के ना पूरी सारी चीज़ें इसके कैरी करने के लिए इसके पास हैं, और इसका स्पेस भी बहुत बड़ी थी। बैक साइड पे आप देख सकते हैं कि जो मेन म्यूज़ियम है ना, जिसके अभी हमने अंदर जाना है, वो बैक साइड पे आप देख रहे हैं। और अब जो है ना, मैं भी आपको उसी तरफ लेके जा रहा हूँ। तो ये हमारे आर्मी म्यूज़ियम का मेन एंट्रेंस स्टार्ट होती है, जहाँ से अभी हमने इसके अंदर जाना है। आप देख सकते हैं कि बहुत खूबसूरत का ग्रेनाइट स्टोन के ऊपर ना ये आर्मी म्यूज़ियम लिखा हुआ है, और बहुत एक लाविश लुक इसकी आती है। जैसे मैं अंदर एंटर हुआ तो एक बहुत स्लीक और स्मूथ जो है ना कौमी तराने चल रहे थे। लेफ्ट और राइट, ये ब्लैक साइड के ऊपर आप देख सकते हैं, ये सारे शहदा के नाम लिखे हुए हैं, जो कि बहुत खूबसूरत से जो है ना लिखे हुए हैं। और यहाँ से हमारी मेन एंट्रेंस स्टार्ट हो गई है। ये हमारा 1947 से लेके अब तक के जितने भी आर्मी चीफ्स हैं, ये उन सब के स्टेप बाय स्टेप उनकी तस्वीर, उनकी प्रोग्रेस और सब कुछ जो है ना, ये इसके ऊपर मेंशन्ड है। जॉन जॉन से आर्मी चीफ्स ने जॉन जॉन से ऑपरेशंस या कोई एक्टिविटी की थी, वो इनके से नेम के साथ विद डिटेल्ड एवरीथिंग जो है ना मेंशन्ड थी। मैंने अच्छे से जो है ना 3-4 आर्मी चीफ्स के मैंने भी बहुत अच्छे से उनका रीड आउट किया था। जैसे ही आप अंदर आते हैं ना, तो बहुत स्मूथ से ना इन्होंने गाने लगाए हुए हैं, जो कि ना हमारे बहुत प्यारे तराने चल रहे होते हैं, जो ना एक बहुत अच्छा ना एक रिलैक्सिंग मूड देता है आपको, कि ना यू आर इन द एंशंट प्लेसेस। आप ना कोई बहुत किसी ना पता चलता है कि एक म्यूज़ियम के अंदर आप एंटर हुए हैं। 1857 की ये पूरी हिस्ट्री है, आप इसको स्टॉप करके पढ़ें, जिसमें इंग्लैंड ने बरतगीर पे मुजालम की इंतहा कर दी, जिसमें आप देख सकते हैं कि बरतगीर के जितने भी लोग थे उनको सजा तोप के आगे बांध के तोप चलाई जाती थी, और इस तरह उनकी दर्दनाक मौत होती थी। इसमें वो जो पहले मैंने लिस्ट थी उसमें तादाद भी है लोगों की। अच्छा, ये एक बहुत खूबसूरत चीज़ है, कायदे आज़म ने पहली दफ़ा जब पार्लियामेंट का इफ्तिताह किया था और जो तकरीब की थी वो भी लिखी हुई है, और ये ना बिल्कुल नेचुरल व्यू लगता है। आप जैसे ही अगर आप एंटर होकर इसको देखेंगे तो इस तरह लगेगा कि Actually the sculpture is so natural. अगर आप इसको देखेंगे तो so natural लगेगा, और ये उसकी डिटेल है। उससे पहले पाकिस्तान पे एक दफ़ा हाथियों से भी हमला हुआ था, जिसके अंदर पाकिस्तानियों ने बहुत बहादुरी का मुजाहरा किया था, और इन हाथियों को पकड़ कर फिर बाद में उसकी जो है ना पूरी उनको तरबियत देने दी और उनको सिखाया बहुत सी चीज़ें। आप देख सकते हैं कि किस किस तरीके से पाकिस्तानियों ने अपनी जो है ना जानों का नजराना पेश किया था, और ये सो नेचुरल है, बहुत खूबसूरत व्यू है। उसके बाद ये कायदे आज़म की एक गैलरी आ जाती है, जिसमें आपको कायदे आज़म की तमाम तस्वीरें मिलती हैं। कायदे आज़म की 1947 से पहले की भी तस्वीरें हैं, यंग जब वो थे तब भी तस्वीरें हैं। 1500 की दिहाई तक पाकिस्तान के अंदर घोड़ा या फौज का ऐसा घोड़े का सामान मौजूद नहीं था, जिसके बाद 1500 की दिहाई के बाद ही पाकिस्तान के अंदर लोगों ने इस तरीके से अपने घोड़े का और घोड़े का साजो सामान वगैरह तैयार किया। नाइनटीन फोर्टी सेवन के अंदर जिस तरीके से लोग इंडिया से पाकिस्तान आए, ये एक बहुत खूबसूरत व्यू है। आप देख सकते हैं, ये इतना नेचुरल है कि जब आप देखेंगे तो इसमें लगेगा कि बिल्कुल रियल है, और ये देख के कितने लोगों ने इसमें कुर्बानियाँ दी हैं और किस किस तरीके से आए हैं, आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे ये सब देख के।
के अंदर जो दफनाया जाता था औरतों को, उसमें उनकी पायल समेत और झाड़ू समेत उनको दफनाया जाता था, जो कि जब इनकी कब्रें खोदी गई तो ये चीज़ें तावीज़ भी मिले हैं जो कि उनके गले में से मिले हैं। ये मुगल्स दौर का एक सोल्जर तैयार किया हुआ है। इसमें आप देख सकते हैं कि इसका आउटफिट जितने भी हैं, कपड़े, तलवार, वो जितना है ना, वो मुगलिया दौर का ही चलता आ रहा है। और इसमें एज इट इज़ इसकी पूरी हिस्ट्री और आप साजो सामान जो है वो सारा असली है, जो कि मुगल दौर का था। इसमें ना एक बहुत खूबसूरत रोनिन, जिसको सामुराई भी बोलते हैं, जो कि जापान में फ़ाइटर थे, वो बहुत खूबसूरत नेचुरल बनाया हुआ है और बहुत ना अच्छा लग रहा है इसके ड्रेस वगैरह। इसके ऊपर हॉलीवुड की एक बहुत मशहूर कियानू रीव्स की ना एक बहुत फेमस फिल्म बनी हुई है, आप वो ज़रूर देखें, बहुत इंजॉय करेंगे। अपनी जान नजर करूं, अपनी जान।